हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फाइनली आप लोगों के सामने खड़ी हुई है TVS रोनिन, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बाइक हो रही है अभी इंडियन मार्केट में। अब आपको जैसे पता ही है कि भाई ये बाइक अभी लॉन्च हुई है, और भाई हमारे शोरूम में इस बार ये काफ़ी जल्दी आ गई, तो ये चीज़ तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जनरली दोस्तों बाइक हमारे यहाँ जल्दी आ नहीं पाती है, और जब हम बाइक का रिव्यू करते हैं तो बहुत टाइम हो चुका रहता है, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी डली रहती है, आपको पता है, तो यार हमारी वीडियो नहीं देखा जाता। बट इस बार थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश की गई है इस कॉन्टेंट में, इस बाइक से रिलेटेड वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में इस बाइक के बारे में कम्प्लीट बात करने वाले हैं, क्या प्राइस आता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी टॉप स्पीड है, क्या प्राइस है, क्या माइलेज देगी, कैसे इसके टायर्स है, कैसे इसकी ब्रेकिंग है, कैसे इसके स्पीडोमीटर है, सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मैं भाई GoPro से शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा लो लाइट में अगर प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। बाकी चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं TVS रोनिन के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियसली बात है यार, प्राइस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, खासकर तब जब हम कोई भी बाइक खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो उससे पहले आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये टॉप वेरिएंट है। देखिए हर बाइक में ना आपको एक ऑप्शन देता है हर ब्रांड की, आप टॉप वेरिएंट ले सकते हैं, बेस मॉडल ले सकते हैं, हालांकि कारों में ऐसा पहले होता था बट बाइक्स में भी अब ऐसा होने लगा है। एक्सरूम प्राइस के बारे में बात करें तो अराउंड 170,000 170,000 के आसपास की आपको TVS जो रोनिन है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। टॉप वेरिएंट में भी दो कलर ऑप्शन आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों तो ये ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ अराउंड 197,000 197,000 के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों को सीट इन स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ग्राफिक्स के बारे में, इसकी ब्रांडिंग्स के बारे में, उसके बाद इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रंट लुक देख लो, कुछ इस टाइप का फ्रंट लुक आपको बाइक में देखने को मिल रहा है, और सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं टी शेप में आपको इसमें LED लाइट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है, और TVS ने भाई इसे बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट भी किया कि हमने बहुत यूनिक लाइट दी है, हालांकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन आप लोग देख पा रहे हैं गोल्डन कलर में आपको इसमें सस्पेंशन देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। यहाँ आप लोग बाइक में देख पा रहे हैं हॉर्स की जो एक ब्रांडिंग है वो भी आपको बाइक में देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको रोनिन की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, ये भी अच्छी लग रही है, और इंजन में आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलने वाली है। और आपको बता दूँ कि इंजन जो एकदम नया इंजन है TVS ने, ये इंजन कभी भी अपनी किसी बाइक में यूज़ नहीं किया है। भाई दोस्तों अगर टेल में आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बाइक में TVS की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, तो ब्रांडिंग अच्छी है, और जो कलर ऑप्शन है वो भी आपको बाइक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इस बाइक के कुछ डिटेल्स में। सबसे पहले ना इसके फ्रंट के बारे में बात करेंगे, ये नहीं कि पहले इंजन बात करो तो फ्रंट के बारे में बात करो, ऐसा नहीं यार, इस बार थोड़ा अलग रिव्यू करने वाला आपका भाई। तो सबसे पहले फ्रंट के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इसका फ्रंट लुक देख लो, कुछ इस टाइप का जो लुक है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आप इसकी LED DRL लाइट देख लो, टी शेप में LED DRL लाइट देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि TVS ने इस बार इसकी जो लाइट है बनाया एक्चुअल में काफ़ी अच्छी होगी, और रियलिटी में भी मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अलग है। और आपको बताना चाहूँगा फुली LED सेटअप में लाइट दी गई है, जो कि राउंड शेप में आपको इसमें LED लाइट देखने को मिल रही है। अब भाई इसकी लाइट जो है पास मारने से तो ऑन नहीं हो रही है, तो इसे थोड़ा सा मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देख पा रहे हैं इसकी जो LED लाइट है वो आपको फुली LED लाइट देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी होगी, कोई एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगाने की ज़रूरत जो है आपको नहीं पड़ने वाली है इस बाइक में। तो ये इसकी मेन लाइट है, ठीक है। टनल सिग्नल लाइट भी आपको बाइक में जो है वो LED देखने को मिल रही है, और LED टनल सिग्नल लाइट भी मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी भाई। TVS ने फाइनली अपनी सारी चीज़ों को LED दिया, वरना हर कंपनी क्या करती है टनल सिग्नल लाइट बल्ब देती है तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और टेल लाइट भी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये देखिए टेल लाइट भी आपको बाइक में बहुत ज़्यादा यूनिक लगे देखने को मिल रही है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी टेल लाइट भी, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा इस बाइक का पसंद आया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आप लोग इसकी की देख लीजिए, इस टाइप की देखने को मिल रही है, और की का वेट काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये चीज़ आपको फील होगा भाई, इसकी की का जो वेट है ना काफ़ी वेट है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में, तो स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं इस बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है,
राउंड शेप पे डिजिटल मीटर है और फुल फीचर के साथ, फीचर की कोई कमी नहीं है। हालांकि आपको यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी और वो चीज़ है भाई मीटर की प्लेस। आप देखो इस साइड मीटर है, काफ़ी इस साइड इसका मीटर लगा हुआ है, देख पा रहे हो कितना इस साइड लगा हुआ है। और भाई जनरली जो स्पीडो मीटर होता है यहाँ भी सेंटर में होता है, बट इसका TVS ने काफ़ी यूनिक दिया और ये मुझे अच्छा भी लगा। बात कर लेते हैं स्पीडो मीटर के फीचर्स के बारे में। ये इसका RPM इंडिकेटर है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लॉक मिलता है, गियर इंडिकेटर है, ऑडोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है सबसे पहले। उसके बाद स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर इसमें देखने को मिल जाता है। ये इसका क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ABS की इंडिकेटर मिलते हैं, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे दो स्विच दिए गए हैं मोड एंड सेट, जिससे आप चेंज कर सकते हो। ये आप लोग देख पा रहे हैं ये इसका क्लॉक यहाँ पे भी दिखाने लग गया, ठीक है, और ये एवरेज स्पीड दिखाने लग गया, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे, यहाँ पे आपको सेट के लिए भी स्विच दिया गया है। हाँ, राइडिंग मोड्स भी आते हैं, आपको पता ही है इसमें अर्बन रेन एंड स्पोर्ट जो मोड है वो भी दिए गए हैं, TVS की लगभग सभी बाइक्स में आ रहे हैं अभी। और यहाँ पे आपको इसका स्विच मिलता है, देख पा रहे हैं ये स्विच, इस स्विच से आप इसका जो राइडिंग मोड्स है वो चेंज कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी ईजिली आप चेंज कर सकते हो। स्विचेज में पास से स्लो बीम, हाई बीम, टर्नर सिंगल लैप की हॉर्न, ठीक है, इंजन की स्विच, मोड का स्विच, ये हजार्ड का स्विच, चारों इंडिकेटर साथ में ऑन कर सकते हो, और ये आपको सेल्फ का स्विच जो है बाइक में मिल जाता है। और देख पा रहे हैं इसकी क्लच, क्लच आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, जो आपका हाथ की उंगलियों की साइज़ जितनी बड़ी है उसके हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोगों को इस बाइक में सबसे पहले इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इंजन CC में इस बाइक में ना 225.9 CC का इंजन यूज़ किया गया। जनरली जितने भी यूट्यूबर हैं मैंने उनको देखा भाई 225 CC, हालांकि देखा जाए तो उतनी है, बट यार करेक्ट बताना हमारा काम है। तो 225.9 CC का जो इंजन है वो यूज़ किया गया इस बाइक में। इंजन टाइप में ऑयल कूल 4-stroke 4-valve SOSC सिंगल सिलेंडर इंजन जो है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें अगर मैक्सिमम पावर के बारे में, तो 20.4 के आसपास का PS पर है, जो कि 7750 RPM पे पावर जनरेट करेगा। एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 19.93 के आसपास का न्यूटन मीटर टॉर्क है, जो कि 3750 RPM पे पावर जनरेट करता है। मतलब आप लोगों को इस बाइक में पावर एंड जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक क्रूजर सेगमेंट के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा पावर यहाँ पे दिया गया है। इस बाइक की जो बोर साइज़ है लगभग 66 mm के आसपास की, स्ट्रोक साइज है अराउंड 66 mm के आसपास की। ऑयल कूल इंजन है, छोटा सा रेडिएटर आपको इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड साथ में आपको बताना चाहूँगा नंबर ऑफ 5-speed गियरबॉक्स के साथ में आती है। हालांकि आप लोगों को इस बाइक में स्लीपर क्लच भी देखने को मिलेगा, जी हाँ स्लीपर क्लच भी है इसी वजह से, और आप लोगों को गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ मिलेगी। प्लस आपको क्लियर करना चाहूँगा इस बाइक में दोस्तों आप लोगों को फ्यूल इंजेक्टर यानी कि FI इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये इंजन आपको बाइक में मिल रहा है और काफ़ी अच्छा इंजन यहाँ पे दिया गया है। बात कर ले दोस्तों इसके टॉप स्पीड के बारे में, तो अराउंड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड है। और 0-100 में इस बाइक को अराउंड मेरे हिसाब से लगेंगे, फिलहाल तो अभी सामने नहीं आया, बट मेरे हिसाब से 8-9 सेकेंड लग सकते हैं। और माइलेज आप लोगों की बाइक अराउंड 30-35 के आसपास का जो माइलेज है ये बाइक निकाल के दे देगी। अब आते हैं दोस्तों फ्रंट में। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं इसके सस्पेंशन। फ्रंट में आप लोगों को इसमें अपसाइड डाउन यानी कि USD फोक सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छे सस्पेंशन यहाँ पे दिए गए हैं TVS की तरफ से। टायर साइज़ के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें 110/70 के टायर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और 17-inch व्हील के साथ में आते हैं। ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी अच्छे टायर आपको इसमें मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के बारे में। सबसे पहले ब्रेकिंग प्लेट साइज़ देख पा ले, इस साइज़ की प्लेट साइज़ आपको इसमें देखने को मिल रही है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये 300 mm की, जी हाँ 300 mm की प्लेट साइज़ आपको इसमें फ्रंट में देखने को मिल जाती है। और स्पेशल फीचर में आपको पता है कि इस बाइक में आपको डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जी हाँ ABS है, जो कि डुअल चैनल ABS आपको बाइक में मिल जाता है। और देख पा रहे भाई सस्पेंशन जो है वो सोवा का ब्रांड है, सोवा के यार सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही प्रीमियम सस्पेंशन होते हैं। उसके बाद रियर में आते हैं, रियर के प्लेट साइज़ के बारे में बात करें तो ये 240 mm के आसपास की, 240 mm, और रियर टायर साइज़ है 130/70 के आसपास के रियर टायर साइज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। और रियर सस्पेंशन आप लोग देख पा रहे हैं मोनोशॉक सस्पेंशन आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसकी सीट के बारे में, तो सीट क्वालिटी इम्प्रेसिव, काफ़ी अच्छी है। लेकिन टॉप मॉडल में आपको इस कलर में सीट आती है और बेस मॉडल में आपको नॉर्मल सीट आती है, ध्यान रखिए। लेकिन ये सीट जब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बाकी आपको कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे आपको स्ट्रिप दी गई है, ठीक है, ताकि पिछला बंदा कम्फर्टेबल इसमें बैठ सके। बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में दोस्तों, कि क्या फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अराउंड 14 लीटर की, जी हाँ 14 लीटर जो पेट्रोल है एक बार में आप इस बाइक में फ्यूल करा सकते हो।
एंड बात कर ले दोस्तों ओवर लेंथ के बारे में, तो है 2040 mm की बाइक की जो सीट हाइट है वो है 795 mm के आसपास की, 795 mm की सीट हाइट है, मतलब आपकी हाइट अराउंड 5.3 उससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। एंड इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है अराउंड 181 mm की, मतलब कि आपको पता है क्रूजर सेगमेंट की बाइक है तो क्रूजर सेगमेंट की बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ताकि इसे कंफर्टेबल राइड कर सके और नीचे कुछ ना लगे, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और इसका कर्व वेट है 159 kg का। तो दोस्तों ये था ब्रैंड न्यू TVS Ronin जो कि टॉप मॉडल वेरिएंट है। अब दोस्तों आप लोगों को ये बाइक कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम बाइक यहाँ पे TVS ने बनाई है। बाकी मैंने आपको कंप्लीट इस बाइक के बारे में बताया, अगर आपको कुछ और जानना है द समीर ब्लॉग्स के नाम से आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाऊँगा, आ जाइए और बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।